चलिए आज की वीडियो जो है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सूट की कटिंग सिखाएंगे। ये भी कॉटन सूट सिंपल बिल्कुल इजी तरीका है। किस तरीके से कटिंग करेंगे कि आपका आर्म होल में झोलना है, किस तरीके से कटिंग करेंगे कि आपका कंधी ना गिरे, तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझाएंगे और बहुत ही बारीकी से यहाँ पे दोस्तों आपको वीडियो को देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा बारीकी से देखना, तभी आप वीडियो को जो है समझ पाएंगे और किस तरीके से यहाँ पे कटिंग होगा सब कुछ वन बाय वन करके आपको बताऊँगा, अच्छी तरीके से समझाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये है हमारे पास कॉटन कपड़ा, आगे गला हमारा बना हुआ है, ये है कुछ हमारे यहाँ पे पट्टी, और आपको करना क्या है दोस्तों, इस पट्टी को पकड़ के पिनिंग करना। ठीक है, तो मैं पिनिंग करूँगा, अच्छे तरीके से पिनिंग करके मैं इसको बिछाऊँगा, दोनों पल्ले को एक साथ कटिंग करेंगे। ठीक है, जो दोनों पल्ला है उसको मैं एक साथ कटिंग करूँगा, उसके बाद मैं आपको सब कुछ वन बाय वन करके बारीकी से बताने वाला हूँ यहाँ पे। ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया ना तो दूसरी कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले लंबाई हमारे है 37 और जो चेस्ट है यहाँ पर 33 चेस्ट है, हमने लूजिंग दिया है 35.5 कर दिया है, और जो डार्ट पॉइंट है 11 पे है, अपर चेस्ट जो मेन चेस्ट है 34 है तो हमने लूजिंग करके 36 कर दिया है, जो हमारा वेस्ट है हिप है मतलब कमर है वो हमारा 41 है और हमने 33 बना दिया है, यहाँ पे जो हमारा हिप है 38 है तो हमने यहाँ पे 40 बना दिया है, मतलब दो इंच लूजिंग हमने दिया क्योंकि ये पतला साइज़ है और फिटिंग इनकी अच्छी आएगी। ठीक है, तो जो मैं वीडियो में बताता हूँ वो मैं वीडियो को दिखाता भी हूँ, ऐसी बात नहीं। यहाँ पे दोस्तों बाकी बाजू का नाप है और पैंट का नाप है, सब कुछ बाकायदा मेरे पास यहाँ पे है, तो मेरे बुटीकों पर बहुत सारे काम आते रहते हैं और मैंने बहुत सारे कटिंगों के वीडियो मैंने डाल रखा है और बहुत ही सारे मैंने अलग अलग तरीके से मैंने सूट की कटिंग बताया है। ठीक है, सारा फार्मूला मेरा एक ही होता है और ये हमारा बैक का जो गला है, ये बैक पल्ला है, ये हमारा फ्रंट पल्ला है, तो जो हमारा सारा फार्मूला होता है एक ही जैसा होता। कोई नया बंदा कटिंग करे या जो पुराने बंदे कटिंग कर रहा है उनके लिए भी ये फार्मूला है, जो नए लोग कटिंग करे उनके लिए भी एक ही फार्मूला है, बस आपको वीडियो को देखना है और सही तरीके से कटिंग करना है। तो मैंने मेरे जो डायरी है उसमें मेरा सब कुछ लिखा हुआ है वन बाय वन करके, जैसे लेंथ, चेस्ट, हिप, कमर, डार्ट पॉइंट, आर्म होल, सब कुछ हमने वहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से, नहीं आपके पास बिल बुक है तो आपको एक पर्चे पे लिखना है, एक पन्ने पे आपको सब कुछ लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद ही यहाँ पे कटिंग करना है। तो दोस्तों फ्रंट गला हमारा 7 इंची है और बैक गला हमारा यहाँ पे 6.5 इंची। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर शुरुआत होती है मेन चीज़ समझने की, जो शोल्डर है दोस्तों यहाँ पर हम रखेंगे 6 इंची क्योंकि गला हमारा पीछे के 5.5 है, तो 6 × 2 = 12, और यहाँ पर हमने डार्ट पॉइंट जो नीचे करते हैं यहाँ पे आपको करना 6.5 पे। एक चीज़ और बता दूँ, लोग कहते हैं कि यहाँ पे हम किस तरीके से अपना आर्म होल निकालें, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, अगर डीप गला हो तो आपको या फिर साइज़ बड़ा हो तो 7 7.25 पे नीचे डाउन करना चाहिए, और अगर आपका साइज़ कम है तो 6 आर्म होल का 6 6.5 पे यहाँ पे लगा लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा डायरेक्ट पॉइंट आया है 10 पे और हमारे कमर है 14.5 पे क्योंकि ये पतला साइज है और छोटा साइज है। ठीक है, और इसका जो हिप है वो है हमारा यहाँ पे 20 पे। ठीक है, तो मेरे आपने बहुत सारे वीडियो देखो, कभी मैंने 22 पे लगाया, कभी 21 पे लगाया, कभी 20 पे लगाया, तो ये तरीका क्या है? ये तरीका ये है दोस्तों, जो लोग चाक जहाँ से खोलना चाहते हैं उनको वहीं से ही चाक बना कर देंगे ना, ऐसा तो नहीं हम चाक पहनते हैं 20.5 पे 21 पे तो आप हमें 22 पे 24 पे बना दो, तो इसीलिए ये नाप सब कुछ लेना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ फिर मैं मेजरमेंट लिख लेता हूँ, 40 और 33, और यहाँ पर कितना हमारा है 40 और 33 हमारा कमर है, यह पे हमारा है 36। ठीक है, और यह है 35। ठीक है, यह है हमारा कुछ नाप, और आपको करना क्या है, अब यहाँ से इसको मिलाना है, हम आप अपना इंची टेप से हाफ मेजरमेंट करके मिला लेंगे। सबसे पहले आर्म होल को यहाँ पे मिला लेते हैं इस तरह से शेप दे करके। ठीक है, और उसको भी इस तरह से, तो दोस्तों अगर आपका पास आर्म होल का नाप है, डेड पॉइंट का नाप है, कमर बाजू का नाप सब प्रॉपर है, तो आपका पेस कभी भी नहीं गिरेगा क्योंकि मैंने इतनी सारी वीडियो कटिंग कर दी है मतलब सूट की, कि आप देखेंगे तो आपको हर जगह मेरे पे कुछ ना कुछ एक नॉलेज मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे कटिंग करके डाल दी वीडियो, सब कुछ बताने की कोशिश किया वहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरीके से हमने अपना चौथाई हिस्सा 40 है तो 40 का आधा हमारा कितना था, 40 का आधा 10 आएगा, और यहाँ पर हमारा 33 है तो 8 × 2 = 16, तो क्वार्टर तो हमारा 33 आ जाएगा, तो मतलब जो यहाँ पर नाप है इसकी चौथाई कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, और मैंने वैसे भी बताया कि तो आपको चौथाई करके नाप पे बनाना है सूट को। ठीक है, मान लो बॉडी मेजरमेंट लिया तो सबसे पहले बॉडी मेजरमेंट में आपको 2 2 इंची 2 या 2.5 इंची लूजिंग देना है, मैं तो 2 इंची देता हूँ फिटिंग के लिए, नहीं तो 2.5 इंची लूजिंग देना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि
फिटिंग जो है बहुत ही अच्छी चलती है हमारे दिल्ली NCR में, ठीक है। तो अच्छी फिटिंग आती है, तो इस हिसाब से आपको बॉडी मेजरमेंट लेना है और आपको 2 से 2.5 इंच लूजिंग देना है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ नाप लग जाएगा और उसके बाद आपको करना क्या है, इसको कटना है कटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, हमने इस तरह यहाँ पर कटिंग करेंगे यहाँ पर। और दोस्तों हमेशा हमने आपको एक चीज़ बताया है कि बैक पल्ला हमें हमेशा उठा कर रखना है, ठीक है। तो जब बैक पल्ला आप उठा कर रखेंगे तो क्या होगा, आपका जो है जब बैक पल्ला उठा कर रखेंगे तो आपका पीस हमेशा चढ़ेगा नहीं। तो हमने जितना पीस आज तक कटिंग किया है सब में हमने 1/2 इंच बैक पल्ला बढ़ा कर रखा। अच्छा, जिस बहुत पतले लोगों को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जिनका चेस्ट ज़्यादा है या जिनका साइज़ ज़्यादा है, तो उनको दोस्तों बैक पल्ला उठाना ही पड़ेगा। वो उसका रीज़न ये है कि अगर आपका पीस पीछे जाता है या चढ़ जाता है गले पर, तो बैक पल्ला जब उठा कर रखेंगे तो आपका पीस नहीं चढ़ेगा, ऑटोमेटिक जहाँ पे सेट है वहीं पे सेट हो जाएगा। और दूसरी बात, आपको ये देखना है कि आपका आर्मोल जो है झोल तो नहीं मार रहा है या आपका आर्मोल टाइट तो नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत यहाँ आर्मोल में भी आता है, ठीक है। कंधे गिरने का रीज़न ये है कि आपने आपको चेस्ट को टाइट कर दिया है और कंधे आपकी लूज है। तो दोस्तों सबसे पहले कंधे खोलेंगे, कंधे खोल के पहले दोनों पल्ले को अच्छी तरह बिठाएंगे, उसके बाद छटाई करके फिर कंधे जोड़ेंगे। देख लेना, कभी भी नहीं गिरेगा, गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पे गारंटी के साथ मैं सब कुछ बताता हूँ। जो लोग नए हैं, जो लोग जीरो से सीखना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, और हो सके तो एक लाइक और प्यारा से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नए लोग जो बिगिनर्स लोग हैं उनको ये वीडियो देखना चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो मैं कुछ छुपा के तो कटिंग कर नहीं रहा हूँ भाई, किसी का सूट है मेरे पास, ठीक है। तो मैं उसकी कटिंग कर रहा हूँ, तो मतलब मैंने कटिंग की है, तो आपको मेरे या तो मेरे को समझाने में कोई दिक्कत है, ठीक है। तो कमेंट कीजिए, सर आपकी बात समझ में नहीं आती, या फिर आप मेरी बात को समझ रहे हैं और इस तरीके से कटिंग कर रहे हैं, तो कटिंग करने के बाद आप हमारे वीडियो में आके कमेंट कीजिए कि सर हमने पीस कटिंग किया बनाया है तो इसमें यह प्रॉब्लम है। तो वो सारी प्रॉब्लम का हल जो है मैं आपको बताऊँगा कि क्यों आपके उसमें सूट में प्रॉब्लम आता, आप क्यों कटिंग नहीं कर पाते, ठीक है। तो बारीकी से सब कुछ समझिए, बिना प्रेसिंग का तो मैं कटिंग ही नहीं करता हूँ। तो आपको भी प्रेस को अच्छे तरीके से सूट को प्रेस करना है, ठीक है। देखिए, बैक का डार्ट पॉइंट लगाने का हिसाब पहले भी बताया था कि आपको सेंटर पे लगाना है यहाँ पे, और क्या करना है, 11 साढ़े 11 इंच पे लगा लेना है, ठीक है, ऊपर से, और यहाँ से 4 इंच के गैपिंग करके यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बैक का डार्ट पॉइंट लग गया है, ठीक है। तो ये कुछ तरीका होता है सूट कटिंग करने का। अब देखिए, सूट तो कटिंग हमारा हो गया है, लेकिन हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसके ऊपर से गरारी मार देते हैं, चोक से उठा लेते हैं, लेकिन गलत बात है। जब भी आप कटिंग कीजिए तो पीस को अच्छी तरीके से इस तरीके से बिछाना होता है, ठीक है। और बिछाने के बाद इसका प्रॉपर मेजरमेंट जो होता है अब होता है दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पर बीच में पट्टी लगी हुई थी जो हमारा तबीजा पट्टी, अब हमने मेजरमेंट तो सही ले लिया, बाई चांस गलती होगी तो क्या करोगे, तो वो तो आपने बना के दे दिया। देखिए, जब भी आप अपने लिए सूट बनाए या आपके अपने किसी कस्टमर के लिए, अपने फ्रेंड के लिए बनाते हैं सूट, तो क्या करना होता है दोस्तों, अपना वैल्यू बनाना होता है। वैल्यू कैसे बनेगा, जब आप एक ही बार में वो सूट उनको परफेक्ट दे दोगे। मान लो किसी ने आपको सूट दिया है कि मेरे इस सूट के नाप से आपको सूट बनाना है, और आपने क्या किया, जल्दबाजी में उसी तरह से बना के दे दिया, तो आपके वैल्यू कहाँ बनेगा, क्यों, क्योंकि आपने चेक नहीं किया ना। अब हमने यहाँ पे खोल के जो नाप हमने देखा, उस नाप को हमने फिर से रिव्यू किया है, फिर से मैंने इसको चेक किया है, अब जा करके ये हमारा परफेक्ट नाप बना है। इसमें हमारा 2 सूट लूजिंग हुआ है या 2 सूट टाइट हुआ है, तो जब हम प्रॉपर खोल के नाप लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे सूट बनता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको सीखने के लिए अच्छे अच्छे यूट्यूबर भी, अच्छे अच्छे जो मास्टर हैं, वो सब ये चीज़ बताते हैं आपको, ठीक है। लेकिन आप लोग सीखने की कोशिश नहीं करते हैं तो आपका सूट जो है गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जो YouTube पे वीडियो लोग डालते हैं वो सब लोग ये बात बताते हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल सही तरीके से समझने की कोशिश नहीं करते, इसीलिए आपका जो पीस है गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो जीरो से सीखिए, 1 by 1 करके मैं बताता हूँ, आप कमेंट करेंगे, हम आपके कमेंट के जवाब देंगे, उसी के आधार पर हम आपको वीडियो बना के देंगे, ठीक है। आपको क्या चाहिए, क्या चीज़ पसंद है, ठीक है, उसके बारे में पूरे हम आपसे डिटेल करेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए बॉर्डर भी हमारा इसमें लगाना होता है, एडमिन सूट में बॉर्डर आता है, जाहिर सी बात बहुत सारे सूट में बॉर्डर आता है, अगर आता है तो उसका लेंथ आपको पहले रखना है बराबर, जितना बैक का उतना फ्रंट का, उसके बाद ही आपको ये बॉर्डर उस पर ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये सारा बात तो हो चुका है, अब हम यहाँ पे आपको एक बार बाजू भी कटिंग करके दिखा देते हैं, जो कपड़ा बचता है उसमें बाजू कटिंग कैसे होती है, ठीक है। तो बाजू की प्रोफेशनल जो कटिंग है वो मैं आज आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
देखिए ये कपड़ा हमारा दोस्तों साइड से हमने बचाया था, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको कपड़ा कैसे बचाना है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिए अभी जा करके, ठीक है। तो उसको जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि साइड से कपड़ा हम बचाते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पौनी बाजू बनानी है, ठीक है, यानी कि 17 इंची की बाजू है, आगे मोरी 10 इंची है, और जो डोला है वो 11.5 मान लो बाजू का डोला है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखा, मैंने क्या क्या बताया, एक तो लंबाई बताया, एक तो मोहरी बताया, एक तो डोला बताया, ठीक है। तो आप तो क्या करेंगे, मोहरी का नाप ले लेंगे, लंबाई का नाप ले लेंगे, डोले का नाप भूल ही जाएंगे, या फिर आप डोले का भी नाप ले लेंगे, सब कुछ नाप ले लेंगे, तो आप नॉर्मली नाप नहीं लेंगे। तो ये सब गलत बात है, इसको पूरा एक बार रट लीजिए और ये सारा नाप आपके पास होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो, चालू काम करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आप दबा दबा के पहनिए सूट को, जितना मर्जी उतना आप दबा के टाइट कीजिए, लूज़ कीजिए, क्योंकि मार्जिन तो भाई आगे हो तो ये 1 से 1.5 इंची है ना, तो क्यों ऐसा काम करेंगे। तरीका हम बता रहे हैं, करना आपको है, जो तरीका मैं बता रहा हूँ इस तरीके से पीस बना के, और हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका ये सूट में क्या गलतियाँ हैं क्या नहीं है। आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे बढ़िया और इससे अच्छी रिलेटिव वीडियो मैं आपको डालता हूँ, ताकि आपके कारीगर हो, आपके काम आए, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको लेना चाहिए। कुर्ता कमीज कटना, कटिंग करना भी सही तरीके से नहीं आता है, ठीक है। तो वजह क्या है जो सही तरीके से कटिंग करना नहीं आता है, तो सीखेंगे ना जब, तभी तो आएगा आपको, जब सब चीज़ सीखेंगे कि भाई सूट में दिक्कतें क्यों आती है, आर्मोर में दिक्कतें क्यों आती, झोल क्यों आता है, ये सब कुछ बारीकी से मैंने बताया है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने वीडियो को स्किप कहीं नहीं किया, सब कुछ 1 बाय 1 करके आपको बताया कैसे कटिंग करना है, कैसे क्या करना है, बाकायदा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से कटिंग कीजिए और बनाइए, और बताइए हमें कि आपको क्या कमियां हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पे जोड़ लग जाएगा, फिर हम डोला का मेजरमेंट कर लेंगे, मोहरे का मेजरमेंट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे स्टेपलर भी करके दे रहे हैं, क्यों, कपड़े जोड़ लगाते समय कहीं गिर ना जाए पीस, ठीक है। तो सब कुछ बारीकी से यहाँ पर हम बताते हैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये है कुछ तरीका प्रॉपर सूट कटिंग करने का दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।